जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मेरा सभी सैनिक भाइयों को, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि कल यानी कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस हमारा गया है, और गणतंत्र दिवस जो अभी गया है, इस साल क्या हुआ है उसके बारे में एक छोटा सा एक टॉपिक है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। इतना आप सब जानते हैं कि अभी के जो पूर्व सैनिक हैं वो जंतर मंतर पर एक साल लगभग उनको होने वाला है, कितना लड़ रहे हैं, कितनी सरकार से अपनी मांगे कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। और इसके बीच में ही कल ही जो गणतंत्र दिवस हमारा सेलिब्रेट किया गया है, परेड हुई है, जो भी कुछ पूरा आयोजन उसमें किया गया था, उसमें जो है हमारी सैन्य नर्सों को, उनको भी परेड में मार्च करने का मौका मिला था। और उनको, उनकी एक लड़ाई थी, उनको जो है सैनिकों का दर्जा नहीं दिया जाता एक तरीके से। आम लोग हैं या जो भी कुछ जवान भी ऐसे हैं जो उनको नहीं मानना चाहते, नहीं एक्सेप्ट कर पाते कि वो सेना का कभी कोई हिस्सा है या कुछ है, उनको हमेशा एक अलग कैटेगरी में ही रखा गया है। और वो जो है, और वो भी जो है पूर्व सैनिकों के दर्जे के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन उनको भी इग्नोर किया जा रहा है, उनकी बात को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। और इसके बीच में अभी जो खबर में है, मैं आपको विस्तार से बताना चाहती हूँ कि जो सैन्य नर्सों को नियमित सेना का हिस्सा नहीं माना जाता है और उन्हें सहायक सेवा के रूप में माना जाता है, और सेवानिवृत्ति के बाद और शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए नियुक्ति की अवधि पूरी करने के बाद पूर्व सैनिक का दर्जा भी नहीं दिया जाता है, और इसी के लिए जो है वो लड़ रही हैं, अपना सम्मान, अपना हक मांग रही हैं कि हमें भी वो दर्जा दिया जाए जो बाकी सैनिकों को, बाकी जवानों को मिलता है। और आपका क्या थॉट प्रोसेस है इसके बारे में, हम जरूर जानना चाहेंगे। हमारा चैनल आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि उनको वो जो दर्जा वो मांग रही हैं, जो वो चाहती हैं कि उनको मिले, उनको मिलना चाहिए या नहीं, और आपका, आप क्या क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में। और पहली बार जो है सैन्य नर्सिंग सेवा की एक टुकड़ी जो है गणतंत्र दिवस की परेड में मार्च करी है, और सैन्य नर्सें जो है शुक्रवार को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की सभी महिला टुकड़ी के हिस्से के रूप में मार्च करी थी उन्होंने, और जिसमें जो है आर्मी मेडिकल कोर, आर्मी डेंटल कोर और नौसेना और वायु सेना के डॉक्टर शामिल भी थे। और ये जो है विशेष दस्ता इस साल के गणतंत्र दिवस परेड में नारी शक्ति की थीम का हिस्सा थे। नारी शक्ति का एक थीम जो है इनको हिस्सा उसमें बनाया गया था कि हर साल ही जैसे किसी ना किसी एक थीम के ऊपर कोई टुकड़ी परेड करती है, तो इस साल इन्होंने नारी शक्ति के थीम के ऊपर परेड करी थी। लेकिन जो है चीजें उतनी अच्छी नहीं है जितनी दिखाई देती हैं। भले ही ये सैन्य नर्से तीनों सेनाओं की अन्य महिला चिकित्सा कर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, फिर भी जो है इन्हें समान दर्जा प्राप्त नहीं होता है। जो ये चाहती हैं वो इनको दर्जा उतना नहीं मिलता है, और नियमित सेना का हिस्सा नहीं माना जाता है, और सहायक सेवा के रूप में सिर्फ उनको माना जाता है कि ये सिर्फ सहायक है हमारी, ये सिर्फ हमारी हेल्प करने के लिए हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इनको सेना की कैटेगरी में कि हाँ ये भी कुछ डिजर्व करती हैं, ये भी उतना सम्मान चाहती हैं, वो इनको नहीं मिलता है, और ना कोई इनको उस नजरिए से देखता है कि इनको उतना सम्मान मिलना चाहिए। बेशक इन्होंने नारी शक्ति के थीम पर करा है, लेकिन ये जो अपनी लड़ाई लड़ रही है उस लड़ाई के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और सैन्य नर्सों को सेवा निवृत्ति के बाद और लघु सेवा आयोग के लिए सगाई की अवधि पूरी करने के बाद जो है पूर्व सैनिक का दर्जा नहीं दिया जाता, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, उसी के लिए लड़ रही है कि हमें वो दर्जा चाहिए, हमारा जो हक है वो भी सरकार से मांग रही है। जिस तरीके से हमारे पूर्व सैनिक जो है सरकार से इतने टाइम से मांग रहे हैं कि उनको OROP नहीं मिल रहा, MSP, डिसेबिलिटी पेंशन, बहुत सारी तकलीफें हैं उनकी जो सरकार नकार रही है, वैसे ही ये जो है सिर्फ दर्जा चाहती है कि हमें भी वो दर्जा मिले, हमें भी वो सम्मान मिले, वो सम्मान सरकार इनको नहीं दे रही है, या फिर आम जनता या फिर कुछ सैनिक जवान भी वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और रक्षा मंत्रालय और तीन सेवा प्रमुखों के साथ साथ जो है कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा लंबे समय तक मुकदमेबाजी और सहानुभूतिपूर्ण रुख के बावजूद जो है ESM टैग अभी भी सैन्य नर्सों से दूर है, और सेवानिवृत्ति के बाद की स्थिति का विरोध भास ऐसा है कि अपनी पेंशन योग्य सेवा पूरी करने वाले सैन्य नर्सों को कैंटीन सेवाओं, पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना और वन रैंक वन पेंशन जैसे ESM के कई लाभ मिलते हैं, लेकिन उन्हें मान्यता नहीं दी जाती है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि MNS अधिकारी किसी भी सरकारी नौकरी या योजना के लिए जो है पात्र नहीं है जिनमें ESM के लिए आरक्षण है, और ये उन सैन्य नर्सों के लिए विशेष रूप से कठिन है, मुश्किल है उनके लिए जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के बाद सेवा छोड़ देती हैं और अन्य सरकारी नौकरियों में शामिल होना चाहती हैं, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है,
कोई और ऐसी चीज नहीं है जहाँ वो जाके कर सके या उनको वो हक मिल जाए या उनको जो वो डिजर्व करती है वो मिल जाए, इसलिए उनको ये करना पड़ता है। अब आपके क्या थॉट्स हैं, आप क्या आपके क्या विचार हैं इस बारे में, वो हमारा चैनल जरूर जानना चाहेगा कि इस तरीके की चीज अभी हुई है और ना जाने ऐसी कितनी चीजें आगे जो है आती रहेंगी और सरकार के सामने आती रहेंगी। लेकिन सरकार को इन चीजों को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, सरकार को भी एक्शंस लेने चाहिए कि वो भी उतना दर्जा डिजर्व करती हैं। अब आपके क्या विचार है कमेंट्स में जरूर लिख के जाइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मेरा नाम है साक्षी, CCN News 24 से बहुत बहुत धन्यवाद।